नमस्कार बच्चों, ज्ञानदूत सेकंड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। सेल्फ मुकेश कुमार जांगिर, जो सबसे पहला हमारा वीडियो था उसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे केमिकल काइनेटिक्स के, रासायनिक बल गतिकी के। आज हम लोग आगे चलते हैं। देखो, तो जो भी बेसिक चीज़ें थी वो बेसिक चीज़ें आगे के कंसेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया उससे आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेग नियम और वेग व्यंजक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते। तो जब हम लोग वेग नियम लिखेंगे या वेग व्यंजक लिखेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे वेग नियतांक, या फिर उसको हम लोग दर नियतांक बोलेंगे। और उसी के साथ हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। मतलब ये एक ही कॉन्स्टेंट के नाम है, उसे हम लोग वेग नियतांक बोल सकते हैं, रेट कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम लोग? रेट कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। को वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट को समझने से पहले हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को समझना पड़ेगा। और आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो उस अभिक्रिया के अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान रख लेना। क्या कहता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम? किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उस अभिक्रिया के अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो मिलकर के सी और डी मिला रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग वेग लिखें, अभिक्रिया की रेट लिखते हैं, तो सबको पता है इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है। बी के रेफरेंस में क्या लिखेंगे? डी बी अपॉन डी टी। ये मैंने बताया था, ये जो बी है इस टाइप का वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब सी के रेफरेंस में लिखेंगे प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगा देंगे, डी के रेफरेंस में लिखेंगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट है। अब देखो, अगर इसी रिएक्शन पर हम लोग द्रव्यमान सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाएं, तो क्या कह रहा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम? अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, या फिर हम लोग गुणनफल के बराबर। तो देखो, हम लोग चाहे सी के रेफरेंस में ले लो और चाहे, ध्यान रखना ये यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आएगा, क्योंकि तो ये जो है वो रिएक्टेंट के रेफरेंस में लिख दिया है मैंने, और सी जो है वो प्रोडक्ट है। ये ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो सी है वो प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो डी सी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए और सी बी, ए और बी की कंसंट्रेशन के गुणनफल के डायरेक्टली या सीधा समानुपाती होता है। ये आप लोग ध्यान, ठीक है? अब अगर ए और बी की कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन में लिखूं तो क्या लिख दूंगा? डी सी अपॉन डी टी। देखो, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये डी सी जो है वो ये वाला सी है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रेफरेंस में हमेशा हम लोग पॉजिटिव सिंबल यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिख दी है। अब देखो, जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम लोग कॉन्स्टेंट के लिख रहे हैं। और अगर मोलर कंसंट्रेशन के रेफरेंस में लेंगे तो भी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम लोग क्या लिख रहे हैं? के लिख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो के है हमारा, जो के है हमारा, ध्यान से समझना, उस के को हम लोग बोलते हैं वेग नियतांक या दर नियतांक। ये आप लोग ध्यान रख, ठीक है? अगर एक नया कंसेप्ट हम लोग यहाँ से लेके आए तो वेग नियम या दर व्यंजक वेग क्या होगा, ये थोड़ा सा समझ लो। तो अगर किसी भी अभिक्रिया का हम लोग अगर अवकलित वेग समीकरण लिख दें, अवकलित वेग समीकरण का गणितीय रूप लिख दें, अवकलित समीकरण को गणितीय रूप में लिखने पर अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता प्रदर्शित करता है। अर्थात जो अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की मोलर सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है। बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसी को एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हुई है हमारी, इसी
मच्छी को हम लोग वेग नियम, ध्यान से समझ लेना, वेग नियम या दरव्यंजक बोलते हैं। ये देखो किस किस में रिप्रेजेंट, किस किस में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग नियम क्या होता है, वेग नियम जो है अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को रिप्रेजेंट करता है या संबंध को बताता है। दूसरा क्या लिखा है, अभिक्रिया मतलब ये अभिक्रिया वेग ये बताता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो कौन कौन से अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है और कौन कौन से अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेग नियम या जो दरव्यंजक वेग है वो क्या होता है। पहली चीज ध्यान रखना, वो वेग नियम या जो दरव्यंजक है वो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। और उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा और कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो वेग नियम या वेग व्यंजक क्लियर हो गया है, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। इसको समझना है हमें, वेग व्यंजक या फिर दर व्यंजक को, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, रेट इक्वेशन, एक समीकरण। ठीक है, तो देखो यहां से सपोज कोई अभिक्रिया है हमारी जिसमें तीन रिएक्टेंट हैं ए बी सी, ए के ए मोल हैं, बी के बी मोल हैं और सी के सी मोल हैं। ये तीनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम लोग ने जो ऊपर वेग नियम देखा उस वेग नियम के अकॉर्डिंग इसका जो वेग समीकरण होगा वो क्या लिख सकते हैं, वेग आर इक्वस टू के, ये आपको पता ही है रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ए ए की कंसंट्रेशन एक्स, बी की कंसंट्रेशन वाई और सी की कंसंट्रेशन जेड। यहाँ पे देखो सबको पता है वेग नियतांक है, के जो है वो वेग नियतांक है या दर नियतांक है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, तीनों नेम होते हैं इसके, ध्यान रख लेना। इसके सेम ही चीज है, ठीक, को हम लोग वेग नियतांक बोल सकते हैं, दर नियतांक बोल सकते हैं या विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल। ठीक है, अगर इन्हीं की कंसंट्रेशन को, ये मोलर कंसंट्रेशन है, अगर इसी को हम लोग नॉर्मल कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जो ए की मोलर कंसंट्रेशन थी उसको सी ए से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी की जो मोलर कंसंट्रेशन थी सी बी, और सी की जो मोलर कंसंट्रेशन थी उसको लिख दिया है सी और यहाँ पे सी, ये ध्यान रख। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो क्रमशः ए बी सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे लेकिन एक बार समझ लो, क्योंकि ये भी रेट इक्वेशन में आता है। ये जो एक्स वाई और जेड होता है ये थोड़ा सा समझ लो, ये जो एक्स वाई और जेड है ये ए के रेफरेंस में, ये बी के रेफरेंस में और ये सी के रेफरेंस में अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया की कुल कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेग नियम या जो वेग समीकरण है, रेट इक्वेशन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको रिप्रेजेंट करता है ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य रिलेशन को रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो हम लोग अब आगे की क्या है, वेग नियम हो गया हमारा, ये देखो मैंने सारा बता दिया आप लोगों को, उसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको जो अगर तीनों को जोड़ दें एक्स वाई जेड को तो वो अभिक्रिया की कुल कोटि को रिप्रेजेंट करें। एक रिलेशन और है यहाँ पे, देखो जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें अगर हम लोग ए बी और सी की कंसंट्रेशन या फिर सी ए सी ए और सी सी को हम लोग एक मान लें, यूनिट मान लें, तो क्या होगा उस इक्वेशन में। देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, आर बराबर क्या था, के ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की,
यहाँ पे अगर हम लोग इसकी कंसंट्रेशन को एक, इसकी कंसंट्रेशन को एक और इसकी कंसंट्रेशन को एक मान लें, यूनिट मान लें, तो सबको पता है आर बराबर क्या हो जाएगा, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग, ध्यान से समझना, और रेट कांस्टेंट, ये जो के है वो वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट। देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो वेग और वेग नियतांक है वो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, जो वेग और वेग नियतांक हैं वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन कब हुए, जब सारे अभिकारकों की सांद्रता क्या ली हमने, इकाई ली। क्या ली हमने, इकाई ली। तो नीचे मैंने लिख दिया है, अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया वेग के, अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता कितनी हो, जबकि प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता कितनी हो, इकाई। क्लियर है, आप लोग समझ लेना, जो वेग है आर के बराबर कब होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर के बराबर कब होगा, जब उस अभिक्रिया के सारे अभिकारकों की सांद्रता कितनी ले ली जाए। ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था वेग के बारे में, और इस क्लास में जो अब तक मैंने बताया है वो किसके बारे में बताया मैंने आप लोगों को, वेग नियतांक के। एक जो रेट और जो रेट कांस्टेंट है उन दोनों में क्या रिलेशन है वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब देखो जो के आया है हमारा, वेग नियतांक आया है, उसकी इकाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबको पता है वेग बराबर क्या होता है, देखो मैं एक सिंपल सा, अब की बार मैंने केवल एक ही अभिकारक लिया है ए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया के एन, और एक की पावर एन मैंने यहाँ पे कर दी है। देखो ये एन अलग है, ये एन अलग, ये एन बेसिकली अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की होती तो के वन लिख देंगे, अगर जीरो ऑर्डर की होगी तो के जीरो लिख देंगे, सेकेंड ऑर्डर की होगी तो के टू लिख देंगे। और यहाँ पे जो एन है वो इस अभिकारक की सांद्रता की घात है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो समझ लेना आप लोग। देखो वेग, वेग की यूनिट मैंने बताई थी मोल पर लीटर, ध्यान से समझ लो भाई। और अगर हम लोग यहाँ पे मोल पर लीटर की बात करें, और जो अगर यहाँ से हम लोग जो मोल पर लीटर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सांद्रता की इकाई है, किसकी इकाई है, ये सांद्रता की, और ये किसकी इकाई है, समय की। ध्यान से समझ लेना, किसकी इकाई है, ये समय की इकाई है। देखो अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि देखो जो ये हमारा कंसेप्ट है वेग की, जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन दोनों को मिला के मैं आगे लिख दूंगा, एक साथ लिख दूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो के एन बराबर क्या होगा हमारा, जो के एन का हमारा कंसेप्ट है वो क्या होगा हमारा, के एन तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, ए क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर एन, ठीक है भाई। अब देखो हमें के एन की यूनिट निकालनी है तो के एन को बाहर ले लेंगे, एन को बाहर ले लेंगे तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे ये गुणा कर लेना, बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया, ध्यान से समझो। तो देखो के एन है, के एन बाहर निकालना है, मतलब देखो मैं यहाँ बताता हूँ, हमारा जो पूरा माजरा हो गया वो क्या हो गया, मोल लीटर, सही है, इंटू वन अपॉन सेकेंड, और ये किसके बराबर है, के एन मोल पर लीटर, थोड़ा सा, और ये एन, ये हमें के एन बाहर निकालना है, तो के एन को बाहर लेके आएंगे तो आपको सबको पता है इस पूरे पार्ट में इस पार्ट को हम इस पार्ट से डिवाइडेड कर दें, और जब इस पार्ट से हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझ लेना, मोल, ठीक है, ये लीटर ऐसे की ऐसे रह जाएगा, ठीक है, और ये देखो ये वाला पार्ट जो ये मोल वाला था, ये एन वाला पार्ट उल्टा होके आ गया है, क्योंकि ये नीचे लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, लीटर मोल, ठीक है, ये एन ऐसे की ऐसे, और ये जो समय था वो ऊपर जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा सेकंड,
ठीक है, ये देखो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से। फिर इसको मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे मैंने इसको और रिवर्स कर दिया वापस, क्योंकि दोनों लीटर ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एन बराबर, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, लीटर अपॉन मोल, लेकिन ध्यान रखना ये इन्वर्स में चला जाएगा माइनस वन, ये लीटर ऐसे कि ऐसे रह जाएगा, तो दोनों कॉमन हो गए अब एन, और ये जो है आपका वो सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख लो, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो कि एन बराबर क्या लिखा जाएगा, लीटर अपॉन मोल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन सेकेंड, ये देखो जो लास्ट वाला लिखा है वो आपका यहाँ, ठीक है। अब देखो इसको भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लीटर एन माइनस वन मोल, देखो मोल को अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो वन माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, लीटर एन माइनस वन मोल एन माइनस वन वन माइनस एन, और सेकंड देखो यहाँ से आप लोग देख लो यही लिखा हुआ है, मोल वन माइनस एन है, चेक कर लो, लीटर जो है एन माइनस वन है और सेकंड इनवर्स है, और यहाँ पे जो एन है वो अभिक्रिया कोटि को रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करता है वो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग देखो किसी भी, देखो अगर सपोज हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बात करें, जो जीरो ऑर्डर के लिए या जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसके लिए रेट कांस्टेंट होगा क्या, के नोट, तो हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया क्योंकि एन की जगह जीरो रखेंगे, तो देखो मोल क्या होगा, वन माइनस वन, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, जीरो आ गया, यहाँ पे वन रखेंगे तो वन माइनस वन, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल सेकेंड इनवर्स क्या बचेगा। देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं नीचे, देखो आप लोग उसके अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ से हो गया था हिंदी में मैंने ये सारा लिख दिया, ये ऊपर मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब देखो अगर जीरो कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर की, देखो इस इसकी जगह जीरो लिखा जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, मोल और मोल की पावर वन माइनस जीरो, ठीक है, और ये लीटर या डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है, तो लीटर में क्या होगा, लीटर की पावर कितनी होगी, जीरो माइनस वन, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड, समझ लो ये तो मोल ये लीटर इनवर्स रह गया, तो देखो अपने आप ही आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो अभिक्रिया की कोटि है उसकी वैल्यू आप इस एन की जगह पुट अप कर दो, बस और कुछ नहीं करना, तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट आ जाएगी। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप एन की जगह देखो वन माइनस वन जीरो, तो मोल जीरो लीटर भी जीरो, तो केवल सेकेंड इनवर्स आएगा, फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट होगी वो ओनली सेकंड इनवर्स। तो देखो ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है और अगर उसमें कोई रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो उस रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू की जो यूनिट होगी उस यूनिट से आप लोग पता लगा सकते हो उस अभिक्रिया की कोटि की, अभिक्रिया का जो ऑर्डर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी केमिकल काइनेटिक्स का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, वेग हो गया है और वेग नियतांक हो गया है, ये दोनों चीजें, और वेग की यूनिट हमने पढ़ ली है, वेग की यूनिट हमेशा कॉमन रहती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन वेग नियतांक की जो यूनिट है वो अभिक्रिया के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए क्या होगा ये सारा मैंने लिख दिया है, आप लोग वीडियो से उतार लेना इन सारी चीज, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप लोग समझ लो, कोई इश्यू हो तो हम लोग आगे बढ़ लें। अब देखो इतना सारा मैंने बताया, मैंने बार बार एक वर्ड बोला है अभिक्रिया की कोटि, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो देखो अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या है एक बार वो देख लो, किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, मैंने पहले भी बता दिया तो दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है उसमें जो अभिकारकों की सांद्रता की जो घातांक होती है उनका योग अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने बताया था कि अगर ये आपका कोई वेग समीकरण है
और मैंने अभी आपको बताया था ये सपोज तीन रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो मैंने कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जो योग होगा वो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मींस हम लोग प्रयोग से ही पता लगा सकते हैं, ना कि उसकी स्टाइक्योमेट्रिक समीकरण से। कोई भी समीकरण अगर ऐसे लिखा हुआ है सपोज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट है उनसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगा सकते। अभिक्रिया की कोटि का पता लगाने के लिए ये वेग समीकरण होना चाहिए, और ये वेग समीकरण जो है वो ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होता है, ये आप लोग ध्यान। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, एक क्या मैंने तीन चार एग्जांपल लिख दिए हैं, सपोज ये तो कोई रिएक्शन लिखी है। अब अगर ये वाली इक्वेशन लिख दी, ये वेग समीकरण हो गया भाई, कौन सा समीकरण हो गया है, ये वेग समीकरण हो गया है। और अगर ये वेग समीकरण हो गया है तो ध्यान रखना यहाँ पे जो एम एन और पी है इन तीनों का जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये माने तो देखो दो दो चार और जीरो, तो ये अभिक्रिया कितनी कोटि की हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर की हो जाएगी। यहाँ पे देखे तो देखो टू वन जीरो तो कितना होगा, टू प्लस वन प्लस जीरो, दिस इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्डर की। ये वाली ओनली के जीरो, कुछ नहीं लिखा हुआ, शून्य कोटि की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो है यहाँ पे वन, अब देखो दिख नहीं रहा लेकिन हमेशा वन कंसीडर किया जाएगा, तो वन प्लस वन प्लस वन ये जो होगी वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, तृतीय कोटि की। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अभिक्रिया की अणुसंकेतता। देखो कोटि और अणुसंकेतता में क्या डिफरेंस है, अणुसंकेतता का मतलब ये है किसी भी अभिक्रिया में मोटे मोटे तौर पर कितने अणु भाग लेते हैं, बस ये मान कितने अणु भाग लेते हैं वो अभिक्रिया की अणुसंकेतता होती है। अगर किसी अभिक्रिया में एक दो और तीन अणु, अगर किसी अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, किसी में दो, किसी में तीन, तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्रम से एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अणुसंकेतता जो है वो एक सैद्धांतिक पद है। देखो आप लोग समझो इस बात को, मैंने क्या बताया था कोटि जो होती है अभिक्रिया की वो एक प्रायोगिक वर्ड है, मीन्स वो प्रयोग द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है, जबकि जो अणुसंकेतता है वो सैद्धांतिक पद है। सैद्धांतिक पद होने का मतलब हम लोग इसके स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन से भी उसकी अणुसंकेतता बता सकते हैं। और आगे अणुसंकेतता शून्य ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ध्यान रखना अणुसंकेतता जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और कभी भी पार्शियल नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। क्योंकि तो देखो जब अभिक्रिया होगी तो कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो पूरा ही करेगा, अब एस्ट्रो मॉलिक्यूल आधा थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगा कि आधा मॉलिक्यूल काम में ले लो भाई आप लोग। ठीक है, आगे प्राथमिक अभिक्रिया में अणुसंकेतता और कोटि एक समान होते हैं। देखो कोई भी अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक प्राथमिक पार्ट होता है और एक सेकेंडरी पार्ट होता है। तो जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें, या प्राथमिक अभिक्रियाएं सिंपल रिएक्शन बोलते हैं हम लोगों को, तो इनमें जो अणुसंकेतता और कोटि होती है वो दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, ये जटिल अभिक्रियाएं, देखो एक चीज और, जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं वो केवल एक ही पद में खत्म हो जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, मतलब बहुत सारी स्टेप्स में होती हैं। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं उनकी अणुसंकेतता और उनकी कोटि जो है वो अलग अलग होती है। अनुसंकेतक कोटि का अधिकतम मान तीन हो सकता है। देखो चाहे अनुसंकेतता हो चाहे कोटि हो, इसका अधिकतम मान जो है वो तीन होता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा होने पर क्या होता है कि जो, तो क्योंकि तीन या तीन से अधिक अणुओं की प्रभावी टक्कर की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है तो उनमें आपस में प्रभावी, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। तो जब प्रभावी टक्करों की संख्या पे और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है तो प्रभावी टक्कर होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल मैंने फिर यहां पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि अगर यह अभिक्रिया है इसकी अणुसंकेतता एक है, इसकी अणुसंकेतता दो है, यहां पे तीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दो वाई के एक एक का, तो यहां पे जो
अनुसंकेता होगी वो तीन होगी, क्योंकि देखो एक तरह से देखा जाए तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है और हर एक स्टेप में अलग अलग स्टेप की अनुसंकेता अलग अलग होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, देखो मैंने दोनों में डिफरेंस लिख दिया है, ये आप लोग फटाफट देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आगे की क्या कहानी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोटि क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का योग है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं आयनों की संख्या को स्टाइकियोमेट्रिक समीकरण में होती है। कोटि का मान जो है संपूर्ण अभिक्रिया के लिए निर्धारित किया जाता है, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी अभिक्रिया होगी वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए होता है उसका ऑर्डर, और जो अनुसंख्यता होती है वो अलग अलग पदों के लिए होती है। देखो फिर मैंने पहले बता दिया है कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान होता है। जो अभी अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, जबकि अनुसंख्यता कभी भी शून्य ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक ही होगी। ठीक है, नंबर फाइव पे क्या डिफरेंस है, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी देता है, और जो अनुसंख्यता वाला पार्ट है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जो जानकारी हमें मिलेगी अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में वो मेनली जो है वो उसके ऑर्डर से मिलती है, ना कि उसकी अनुसंख्यता। क्या आप लोग समझ लो अच्छी तरह से, कोई भी इश्यू हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये जो है आज हमने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या डिस्कस किया आज, एक तो वेग नियम देखो तो समझो आप लोग, उसके बाद हम लोगों ने वेग नियतांक डिस्कस किया। ठीक है, वेग नियतांक के बाद वेग नियतांक की यूनिट डिस्कस की हमने, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि डिस्कस की है, उसके बाद जो है अभिक्रिया की कोटि के बाद में हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अभिक्रिया की अनुसंकेता, और लास्ट में जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया है, इन दोनों में डिफरेंस अंतर अभिक्रिया की कोटि और अनुसंकेता में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये हमने डिस्कस किया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप लोग देख लेना, ये आज हमारा दूसरा सेशन है। तीसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो कल हम लोग इसको तीसरे सेशन में ख़त्म कर लेंगे, और फिर जो फोर्थ सेशन होगा उसमें हम लोग जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो वेग इक्वेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन वाली और डिफ्रेंशिएशन वाली। ठीक है, तो चार पांच सेशन में हमारा जो है एक बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है अभिक्रिया के वेग के जो सिद्धांत है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, टक्कर सिद्धांत है, वो हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।